प्रभात पट्टन में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समाज की ओर से ईद मिलाउद्दीन नबी का त्यौहार रैली निकाल कर मनाया गया। इस रैली में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग भी शामिल थे। सब अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग पोशाक के कपड़े पहनकर इस त्यौहार का आनंद ले रहे थे और अपने नबी के नारे लगाते हुए गाँव की मुख्य मार्गों से गुजर रहे थे। एक एक बच्चा, एक एक साथी, देश के लिए कुर्बान, इस प्रकार के आवाजों के साथ एवं भारत माता की जय के नारे लगाते हुए गली चौराहे से गुजरते हुए बस स्टैंड पर पहुंची। वहां से मीठा बूंदी के लड्डू एवं शरबत सभी को बांटते हुए गांव के मुख्य मार्ग सड़क से मस्जिद तक गए। इसी प्रकार अम्बेडकर चौक पर भी लोगों के द्वारा शरबत एवं पानी की व्यवस्था रखी गई थी। एक भाईचारा का संदेश देते हुए हिंदू मुसलमान इस त्यौहार में शामिल हुए। देखने की बात तो यह थी कि आज गणेश विसर्जन का भी त्यौहार था। दोनों ही त्यौहार आज संयुक्त रूप से होने के कारण प्रभात पट्टन पुलिस चौकी की पुलिस भी काफी संख्या में मुस्तैद रही। जब हमने मुस्लिम समाज के एक युवा साथी से इस त्यौहार के बारे में पूछा कि आज गणेश विसर्जन भी है और ईद मिलाउद्दीन नबी का भी त्यौहार है, दोनों त्यौहारों को एक साथ मनाया जा रहा है, तो आप किस प्रकार इस नजरिए से इस त्यौहार को देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रभात पट्टन में इसके पहले भी कई बार मुसलमान समाज और हिंदू समाज के त्यौहार आए और चले भी गए, लेकिन प्रभात पट्टन में कभी भी त्यौहार में हिंदू मुसलमान की तरफ से किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति देखने को नहीं मिली। दोनों ही धर्म के लोग शांति, एकता, सद्भाव एवं भाईचारे का माहौल बनाते हुए त्यौहार को मनाते हैं बड़े हर्ष और सौहार्द के साथ। हम दोनों धर्म कार्यक्रम को मनाते हैं। SCC समाज के लोगों के द्वारा भी भाईचारा देखने को मिला। उनकी समाज की ओर से शरबत एवं पानी की व्यवस्था अंबेडकर चौक में की गई थी और सभी को शरबत और चाय पानी का वितरण किया गया। उनसे भी जब पूछा तो उनका कहना था कि जब हम भी अंबेडकर जयंती को 14 अप्रैल को मनाई जाती है तो हम भी रैली निकालकर पूरे गाँव में भ्रमण करते हैं, तो मुसलमान समाज की ओर से हमारे लिए उनकी तरफ से पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करते रहते हैं, तो सोचा हम भी उनके त्योहारों में अपनी ओर से अपना सहयोग प्रदान करें। तो हमने भी हमारे समाज की ओर से यह व्यवस्था की। काफी अच्छा माहौल हिंदू मुसलमान की ओर से प्रभात पट्टन में देखने को मिला। पुलिस का भी कहना था, जब से मैं यहाँ पर पद पर आया हूँ मुझे इस गांव के जैसा माहौल और कहीं देखने को नहीं मिला। दोनों ही धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। एकता अखंडता का प्रमाण देखने को मिला। पुराने स्टाफ से भी मालूम हुआ कि त्यौहार शांति पूर्वक मनाए जाते हैं, फिर भी हम अपनी ओर से कई चूक न हो जाए इसलिए पुलिस बल के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। प्रभात पट्टन से संवाददाता विजय बंजारी की रिपोर्ट। बताइए डॉक्टर साहब, आज ये जो व्यवस्था की गई है, ये एक भाईचारे का एक संदेशा है। ये लोग भी जब हम 14 अप्रैल को जुलूस निकालते हैं, ये लोग भी हमारे लिए शरबत की व्यवस्था करते हैं। इसी परंपरा को देखते हुए हमने भी हर साल, इसके पहले भी 4-5 साल से हम कर रहे हैं, एक सद्भावना की और एक प्रेम भाव से की, एक हिंदू मुस्लिम सब एक है और इसे आगे बढ़ाते हुए क्रम को और आगे चलते रहेंगे। सभी लोगों को एक ईद मिलाउद्दीन की सभी को शुभकामनाएं और पट्टन में ऐसी सद्भाव की एक चिराग जलते रहे हर हमेशा और इसी भावना से हम हर साल ये करते रहते हैं। सर आज जैसे कि गणेश विसर्जन भी है और ईद मिलाउद्दीन का भी जो त्यौहार है, दोनों ही संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था रखी है? पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। यहाँ जनता के द्वारा आपस में दोनों पक्षों के बीच अच्छे व्यवहार होने से एवं दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इस वजह से शांतिपूर्वक किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन इसकी व्यवस्था में लगा है, फोर्स लगा है। तो गणेश विसर्जन और इस त्यौहार को किस तरह आप, मतलब क्या कहना चाहूँगे दोनों त्योहारों को संयुक्त रूप में? दोनों त्योहारों का
समाज सबका दोनों का अलग है, दोनों पक्षों के बीच आपसी सामंजस्य से कार्रवाई हो रही है। जो भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं। सर, जैसा कि आपका यह पहला ही कार्यकाल है इस त्यौहार का, प्रभात पट्टन में ऐसी कोई असामाजिक घटना आज तक आपने देखी भी नहीं, और आज अपनी आंखों से दोनों ही हिंदू मुस्लिम के बीच त्योहारों को संयुक्त रूप से देख रहे हैं, किस तरह बताएंगे? हिंदू मुस्लिम मैं पट्टन में देख पा रहा हूँ अभी तक, कि ऐसा मुझे लगा नहीं कोई हिंदू बोल रहा है या मुस्लिम बोल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से ऐसा इस प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ऐसा मुझे फील नहीं हो पा रहा है कि हिंदू कर रहा है या कोई मुस्लिम कर रहा है। दोनों आपस में मिलकर कार्यक्रम को अच्छे से कर रहे हैं। धन्यवाद सर। बताइए इसके बारे में। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है जो कि हर साल हम मनाते हैं, इस साल भी हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। इसमें सभी हमारे गाँव के लोग हैं और हम लोग पूरे गाँव में इसमें एक मीठा बांटते हैं। आज जैसे गणेश विसर्जन भी है जी, और ईद जी, इस दोनों कार्यक्रमों को किस तरह देख रहे हैं? ये दोनों ही दोनों समाज के लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत बधाई, और ईद मिलादुन्नबी भी है तो उसकी भी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। संदेश जाएगा जैसे दोनों धर्मों का, ये संदेश जाता है कि यहाँ पे भाईचारा मोहब्बत बनी हुई है और समाज में एकता का पैगाम जाता है, और काफ़ी शांति के साथ आज ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम किया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। ये बहुत खुशहाली की बात है, और उतनी शांति के साथ यहाँ गणेश विसर्जन भी किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।